परमिटेशन बट एज आई सेवर आईव रिटर्न दीज स्टेटमेंट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट ठीक है प्रॉब्लम और टू अंडरस्टैंड तुम्हारा और तुमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स काफी बार मदद करते हैं सो दिल जस्ट रिपीट इट व नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम मतलब कुछ एन है तुम्हारे पास दस में से तुम तुमको सिर्फ सात लोगों को अगर अरेंज करना है तो यू यूज एन पी आर नॉर्मल अगर सबके सबको अरेंज करना है तो इट इज दैट इज फैक्टोरियल देन नंबर इजोरियल परम्यूटेशन एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेन ईच थिंगन बी रिपीटेड आर टाइम्स ये मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोगों को मैं फिर से इसमें एक एग्जाम्पल लूंगा ओके सो टूडे टूडे We are going to go on to different type, which is the same statement, blue major statements like Ka V statement be statement is the number of permutations, number of permutations of n things, टेकन ऑल टूगेदर मतलब सगे च सले है ठीक है वेन द थिंग्स आर नॉट ऑल डिफरेंट डो नॉट वरी अबाउट स्टेटमेंट कैसा है तुम्हारा अपने ने जो बोर्ड में पढ़ा है वैसे एग्जाम्पल लेंगे एंड इट्स ईजी बस उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो बताने वाला सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म With the letters of the word, with the letters of the word mathematics M Mathematics. जिंग दम ओके यू कैन पॉज द वीडियो हियर आप लोग आगे मतलब उसको छुड़ाने का ट्राई करो और फिर आके सो When there are repetition. ताला उसको है. तो बगू को रिपीट अलग अलग कलर से लेंगे. M दो बार रिपीट हुआ बार रिपीट दो बार रिपीट हो रहा है टी दो बार रिपीट हो रहा है और कुछ रिपीटेशन मुझे लग नहीं रहे सो लेट्स मेक इट मोर सिंपल इसका आंसर फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन अगर रिपीटेशन नहीं रहता तो इट वुड बीन जस्ट इलेवन फैक्टोरियल पर रिपीटेशन है तो लेटर्स uh, कितने बार रिपीट हुए उसके ऊपर अपने को ये करना पड़ता है एम कितने बार रिपीट हुआ दो बार ए कितने बार रिपीट हुआ दो बार एंड

तो तब अपने को ये यूज करना पड़ता है इट हैज इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सो प्लीज डोंट इग्नोर दैट मैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ इसके ऊपर बट नॉट टूडे पहले अपने को और एक दो चीजें पढ़नी इसकी सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक सिक्स कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 1 by 1 from a set of from a set of unlimited number of cards unlimited number of cards quite interesting example दिस इज द काइंड ऑफ गेम जो अगर आप फेयर में वगैरह जाते हो फेयर मतलब अः अपने यहाँ पे गणपति वगैरह रहता था 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 तो है फेयर लगते है जहाँ पे लोग गेम्स रखे रहते हैं कॉइन टॉस वगैरह वाले सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच वी यूज और विच इज यूज इन दैट काइंड ऑफ टू जनरेट अ बेसिक गेम दैट्स हाउ यू यूज मैथमैटिक्स टू जनरेट अ गेम खूब सिंपल है ठीक है

Write down the question Ageka. Each card is marked is marked with numbers with numbers minus one zero one. Find the numbers. Find the number of different arrangements or ways find a number of different ways in which they can be drawn can be drawn if the sum of the numbers if the sum of the numbers by by them vanishes. vanishes? What do you mean by vanishes? Basically, that's zero बाम that's वैनिश So यू मीन बास बेसिकलीरो पर अनलिमिटेड कार्ड्स पे ऐसे कुछ तो भी नंबर्स है मेरे पास समझो अनलिमिटेड कार्ड्स है एंड उसपे हर एक पे एक नंबर है किसी पे माइनस वन है किसी पे जीरो है किसी पे वन है वी डोंट नो कौन कसा है ठीक है तुमको मतलब ये तीन ही नंबर के कार्ड है मतलब तुम्हारे पास अनलिमिटेड कार्ड्स पे किसी पे माइनस वन है किसी पे जीरो no okay? कुछ नहीं कुछ वन नहीं, अब मुझे छह कार्ड्स ऐसे निकालने हैं जब मैं उनके नंबर्स की सम करूंगा उन पे जो नंबर निकले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार्ड उठाया उस पे वन आया ठीक है अब दूसरा कार्ड उठाया मेरे पास फिर से वन आया अब तीसरा कार्ड उठाया मेरे पास जीरो आ गया फॉर एग्जाम्पल ठीक है so, सो चौथा कार्ड आया मेरे पास वन और फिर वन टू थ्री फोर फाइव एंड माइनस वन आई से अगर मेरे पास ऐसे नंबर वन टू टू प्लस टू थ्री टू प्लस वन थ्री थ्री माइनस वन टू टू माइनस वन इज इक्वल्स टू वन तो ये वैनिश नहीं हो रहा तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा मुझे ठीक है ये ऐसे छह पत्ते नहीं चलेंगे मुझे मुझे क्या चाहिए इधर आंसर जीरो आना चाहिए मुझे क्या चाहिए इधर आंसर जीरो आना चाहिए ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वन 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 और माइनस वन माइनस वन माइनस वन इनका आंसर जीरो आएगा राइट सो दिस इज वन वे दैट आई कैन डू दिस मेक सेंस बिकॉज मुझे क्या चाहिए मुझे फाइनल आंसर उनका सम करने के बाद जीरो चाहिए यहाँ पे नहीं आ रहा था तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा तो कितनी कॉम्बिनेशंस मतलब कितनी डिफरेंट वेज है जिसे अपने ऐसे कार्ड्स निकल सकते सो वी विल स्टडी डिफरेंट केसेस केस वन केस वन केस वन मध्य आई कैन से ऑल ऑफ देम आर जीरो केस वन का ऑल ऑफ आर जीरो सो जीरो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Okay. तो लॉजिकली थोड़ा सोचना हमेशा थोड़ा लॉजिक साथ में रखना अगर मेरे पास छ पत्ते है जिनपे सब पे जीरो लिखा है उनकी सम टोटल है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो मुझे टोटल जीरो ही को अरेंज करना है तो उनके नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज इज सिक्स फैक्टोरियल क्योंकि कार्ड को कैसे अरेंज करते हैं सिक्स फैक्टोरियल वेज में पर छ के कार्ड सेम नंबर के मतलब छ के कार्ड सेम ही है लिटरली सेम है सो सिंस दे आर सेम सो मेरा आंसर फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू वन लिटरली सेम है ना मेरे पास छे कार्ड है जिन पे जीरो ही नंबर है मतलब मेरे पास छ के छे सेम कार्ड्स है सिक्स कार्ड्स कैन बी फैक्टोरियल वे

ये कार्ड्स पे नंबर्स है जो नंबर्स मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ मेरे पास तीन वन है और तीन माइनस वन है ऐसे छह कार्ड आ आ गए मेरे पास इनकी सम टोटल जीरो आ रही अब इनको अरेंज करना है अगेन सिक्स कार्ड्स कैन बी अरेंज्ड नंबर ऑफ वेज सिक्स कार्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन सिक्स फैक्टोरियल वेज पर रिपीटेशन देखना पड़ेगा अपने को तो एक सेम नंबर वाले या सेम कार्ड कितने बार आए हैं थ्री टाइम्स राइट सो इट विल बी थ्री फैक्टोरियल और माइनस वन कितने बार आया है तीन बार इसलिए थ्री फैक्टोरियल सो वन वाले कार्ड आए तीन बार और माइनस वन वाले कार्ड आए तीन बार इसलिए थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल केस थ्री केस थ्री केस थ्री दो वन वाले कार्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे कार्ड्स निकले अपने तो दो वाले कार्ड आए फॉर एग्जांपल वन वाले दो कार्ड आए जीरो वाले दो कार्ड आए और माइनस वन वाले दो कार्ड आए बराबर मतलब माइनस वन वाले दो कार्ड आ गए अब देखते हैं so, सो मेरे पास छह कार्ड्स हैं जिनका सम किया तो आंसर बराबर जीरो आता है तो नंबर ऑफ वेस का सर कार्ड्स अगेन मतलब लिसन टू व्हाट

मोर एंड ये तो सो एक आ गया वन एक आ गया माइनस वन जीरो 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 राइट फिर तुम अगर मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की तो मैंने अगर चार बार वन लिखा तो मेरा नहीं आ रहा अगर मैंने चार बार माइनस वन लिखा तो जीरो नहीं आ रहा सो आई थिंक इतने ही केसेस आएंगे इसके ऊपर कोई केस आना नहीं चाहिए बट अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका होगा तो प्लीज मुझे बता देना सो नंबर ऑफ वेस नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज कैसे तुमसे सिक्स फैक्टोरियल क्योंकि छह कार्ड है बाकी तो दो रिपीटेशन में नहीं गए बाकी दो रिपीटेशन में नहीं गए इसलिए रिपीटेशन वाला कौन है तुम्हारा फोर तो मतलब जीरो चार बार रिपीट हुआ ओके सो इसलिए फोर फैक्टोरियल तो इसका अच्छा दोनों आंसर नहीं लिखे दोनों तीनों के आंसर नहीं लिखे मैंने सो फैक्टोरियल तोड़ा तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल अपॉन एक थ्री फैक्टोरियल वैसे ही रहने दिया मैंने ये और एक थ्री फैक्टोरियल को तोड़ा मैंने थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज सिक्स ये गया ये गया ये गया ये गया तो फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी इंटू थ्री क्योंकि एक टू फैक्टोरियल जाने वाला है टू फैक्टोरियल इज टू इंटू टू फोर गया थर्टी इंटू थ्री इज नाइंटी सो इसका आंसर आया नाइनटी केस थ्री का

कि ये दोनों साथ में नहीं लिखने चाहिए या ये दोनों हमेशा साथ में लिखने और, चाहिए कि वहाँ ऑल्टरनेट चाहिए सो दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो अपने को काफी बार दिखते हैं तो फर्स्ट इज मतलब हेडिंग देना अंडर रिस्ट्रिक्शंस अभी तक रिस्ट्रिक्शंस थे नहीं अपने को अब रिस्ट्रिक्शंस है उसमें से फर्स्ट है when particular objects are never together, ठीक है सो इसको छुड़ाने के दो तरीके है इसको छुड़ाने के दो तरीके है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स मतलब अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों साथ में नहीं होना तो उनको क्या करना उनको हमेशा साथ में बांधना एंड टोटल में से ऑलवेज टूगेदर वाले माइनस कर देना तो फर्स्ट इज कॉल्ड गैप मेथड ये एक दो प्रॉब्लम के लिए काम में आती है बट इंपॉर्टेंट है ओके सो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच Five girls and five boys can be arranged can be arranged in a row in a row if no two boys are together. Okay, abdhan dena. There is a difference. In question. No two boys are together. अगर मैंने बोला रहता कि uh, तो मैं क्या किया बांधा रहता और उनको uh, साथ में छुड़ा के टोटल में से माइनस किया रहता विच इज माई नेक्स्ट प्रॉब्लम बट यहाँ पे क्या करना है ध्यान दो सो so पहले नो टू बॉयज है ना तो पहले गर्ल्स को बिठा देंगे अपन गर्ल्स गर्ल्स को पांच जगह दे देंगे One, two, three, four, five. Five girls arranged, उनका कितने वेज, वेज में बराबर है अब मुझे क्या चाहिए मुझे बॉयज को बिठाना है पर दो नो टू बॉयज दे कैन बी एनी वन ठीक है अगर मैंने स्पेसिफाई किया रहता कि ए और बी तो मैंने बोला रहता ए और बी को साथ में बांध दो और उनको पहले सातवा वाला कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन निकालो एंड देन टोटल में से माइनस कर देना बट सिंस नो टू बॉयज दे कैन बी एनी टू राइट तो तन्ना का सा कराया था उनको अलग इन दोनों के बीच में बिठा देना सो so, रेड वाला जो मार्किंग रहेगा वो बॉयज के लिए रहेगा वन मी स्पेसेस क्रिएट करता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कितनी जगह हुई अपने को बॉयज को बैठाने के लिए देयर आर प्लेसेस बट बॉयज कितने पांच सो वी गो टू बिफोर वाला थिंक वेयर वॉट वी डू इज यहाँ पे तुम्हारे पास एंड टर्म्स है बट तुमको उसमें से पाची चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास छ जगह है बट वॉइस तो पाछी है तो मुझे लोगों को तो फाइव फैक्टोरियल इन टू छ को अरेन्ज करना था इसलिए दिस इज योर एंसर जो भी आंसर आएगा फाइव फैक्टोरियल इज वन टी सिक्स इज सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सॉरी मतलब सिक्स माइनसियल तो सिक्स फैक्टोरियल तो जो भी आंसर आएगा इसका एंसर आप लोग निकालोगे ओके नेक्स्ट इज मतलब

If the best and the worst paper never appear together, never appear together, then in how many ways? then in how many ways six exam papers can be arranged can be arranged ab अगर मैंने सिर्फ पूछा रहता कि six exam papers can be arranged तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट था six factorial ओके okay. तुम्हारा आंसर बहुत डायरेक्ट था सिक्स फैक्टोरियल पर अब क्या पूछा है उसने कि छह एग्जाम पेपर में से ऐसे कितने अरेंजमेंट है ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन जिसमें से ये बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं आएगा ठीक है तो पहले क्या करूं पहले टोटल निकालते हैं पहले हमेशा टोटल निकालना टोटल कितना है कितने पेपर्स है छ इसलिए टोटल आंसर विल बी सिक्स फैक्टोरियल ये तो टोटल हुआ अब नेवर टूगेदर Please keep this in mind. Never together is equals to total minus always together. ये probability में भी तुमको काम में आएगा टोटल माइनस ऑलवेज टूगेदर ये मैंने बहुत बार बताया है ये और मैं ये बार बार बताते रहूंगा बिकॉज वी टेन टू forget इट वेरी इंपॉर्टेंट Very वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो नेवर टुगेदर निकालने के लिए अपन नेवर टुगेदर डायरेक्टली कभी नहीं निकालते अपन टोटल में से ऑलवेज टुगेदर माइनस करते हैं। तो उसके लिए ऑलवेज टुगेदर निकालना पड़ेगा आप ऑलवेज टुगेदर मतलब हमेशा वो दोनों साथ में ही चाहिए तो छ पेपर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स समझो मेरे पास सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर ये सेकेंड पेपर मेरा बेस्ट पेपर है एंड फोर्थ पेपर मेरा वर्स्ट पेपर है ओके okay. तो मैंने क्या किया वो बेस्ट और वर्स्ट पेपर को साथ में बांध दिया पेपर पेपर एंड फोर्थ को दिया बच्चे कितने एंड तो ये चार अब उन दोनों को साथ में बांधा है तो वो एक होगा टोटल साथ में बांधा है ना अपन ने तो, तो ये क्या हो गया उनका फाइव फैक्टोरियल फोर प्लस वन फाइव फैक्टोरियल बट एज आई इन बोर्ड्स ये दोनों झगड़ा करेंगे कि हम पे, कौन पहले कौन पहले मरुन सो उन दोनों का झगड़ा कितने में सॉर्ट होता दो लोग इसलिए टू फैक्टोरियल ओके okay? सो so, ये हो गया ऑलवेज टूगेदर वाला लॉजिक ऑलवेज टूगेदर में क्या करते हैं उन दोनों को साथ में बांधते हैं साथ में बांधना ठीक है साथ में बांध दिया तो वो एक यूनिट हो गया अब सिंस वो एक यूनिट हो गया मेरे पास बचे हुए चार लोग थे वो चार प्लस ये एक यूनिट इज फैक्टोरियल पर वो दोनों का झगड़ा करना पड़ेगा जो दोनों साथ में बांधे झगड़े करेंगे वो लोग सो इसलिए इंटू टू फैक्टोरियल ये हो गया ऑलवेज टूगेदर वाला अब अगर मुझे नेवर टूगेदर क्वेश्चन में क्या पूछा है बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपियर टूगेदर सो फॉर नेवर टूगेदर मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल विच इज सिक्स फैक्टोरियल में से ऑलवेज टुगेदर माइनस करना पड़ेगा विच इज फाइव फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल सो सिक्स फैक्टोरियल इज सेवन ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी इंटू यहाँ पे क्या क्या टू फैक्टोरियल इज टू इज टू सो सेवन ट्वेंटी माइनस इज इक्वल्स टू फोर एट्टी और जीरो 12, 4 and this is 5. Uh, sorry, 6 minus 2 is 4. So this is your never together. I hope you understood कि तुम्हाला never together direct कभी मत जाना. It's very very अभी तो भी छोटे ये थे इसलिए ठीक है. But never together can get you in trouble. If you ever want to find never together, what you have to do is total minus always together. ये ये बहुत important है. ये जो मैंने mark करके रखा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो तुम भी काफी मार्क करके रखना या कॉपी के ऊपर लिख के रखना ओके टूमोरो वी विल स्टार्ट विथ सर्क्यूलर परम्यूटेशन